शिवाय आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ सोच रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा है अनिका। और मैं वादा करता हूँ, जिंदगी भर अब तुम ऐसे ही खुश रहोगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जानते हुए कि ये सब रूप बुआ ने किया है, हम उन्हें गिल्टी साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सुराग नहीं है। What are you trying to say, खन्ना? मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक नहीं तीन तीन डिटेक्टिव्स काम पे लगाए। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे खन्ना, रिजल्ट। Do whatever it takes, just give me the goddamn result. Yes, sir. सोचा याद दिला दूं, 24 घंटों में से सिर्फ 12 घंटे बचे। वक्त देखना मुझे भी आता है। लेकिन उससे वक्त बदलता नहीं ना भतीजे। अब बुरा वक्त आना है तो आकर रहेगा। तो उस बुरे वक्त को टाल जरूर सकता है, मेरी बात मान के। वक्त किसका बुरा है, ये वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है तेरे पास शिवाय, सिर्फ 12 घंटे बचे। मेरे लिए 12 घंटे भी बहुत है। लेकिन फिलहाल तो तेरे पास कुछ ही मिनट बाकी। क्या मतलब है आपका? वो जो अनिका के बाप का सुसाइड नोट था ना, अरे वही जिसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। You mean fake suicide note? हाँ वही। अरे ये तो मैं और तू जानते हैं कि वो नकली है। दुनिया के लिए तो असली है ना। तो मैंने उस लेटर की कॉपीज बनवा के सारे मीडिया वालों और पुलिस को पोस्ट कर दी। अब तू बता मैं क्या करती? बोर हो रही थी। मैं बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा मनोरंजन हो जाए दांतों दांतों में। बस कुछ ही मिनटों में एक ब्रेकिंग न्यूज आती ही होगी कि शिवाय सिंह ओबेरॉय की बीवी का बाप एक खूनी है। खन्ना, खन्ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। रूबुआ ने वो सुसाइड नोट मीडिया को भिजवा दिया है। कुछ भी करोगे, जस्ट स्पीक टू आवर लॉयर्स। लेकिन हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में न्यूज किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज पेपर में नहीं आने चाहिए। ओके, यू गेट दैट? अगर सारी मीडिया को खरीदना पड़े, खरीदो। डू व्हाटएवर इट टेक्स, जस्ट स्टॉप इट। यस सर। खन्ना मेरी बात सुनो। यस सर। इस घर का केबल कनेक्शन और वाईफाई अभी का अभी डिस्कनेक्ट करो। जस्ट डू इट। ओके सर, पर क्यों? मैंने कहा ना, जस्ट डू इट खन्ना। यस सर। गो कमिश्नर कदम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपके पास एक लेटर आने वाला है जो कल्याणी मिल्स ट्रेजेडी से रिलेटेड होगा। वो एविडेंस झूठा है, आप उसे प्लीज होल्ड पर रखिएगा। उस ट्रेजेडी के पीछे जो असली कल्प्रिट है, बहुत जल्द मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा और उसके खिलाफ सबूत भी दूंगा। प्लीज सिर्फ तब तक उस एविडेंस पे आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। थैंक यू मिस्टर खन्ना, थैंक यू सो मच। मिस्टर गुप्ता, अगर ये स्टोरी आपके न्यूज चैनल पे चली तो आज के बाद ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज चैनल पे दिखाई नहीं देगा, और आज के बाद आपके एनुअल अवार्ड शो के लिए कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलेगा। सुना आपने? इसे अगर आप धमकी समझना चाहे तो यही सही, लेकिन अगर आपने ये स्टोरी छापी है तो आज के बाद हमारी कंपनी आपके पेपर को फंड नहीं करेगी। खन्ना, इन्वेस्टिगेटर से कहूं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे रूप बुआ के खिलाफ सबूत चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ओके ओके सर। अच्छा एक बात और पता करो, वीर ने पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया? ओके सर, मैं भी इंस्पेक्टर से बात करके आपको बताता हूं। आखना बोलो। सत के जावा, अब अपनी बुआ को पहचान भी नहीं रहा? दिल तोड़ दिया तूने मेरा, सच में। मेरा सबसे लाडला भतीजा इतना पराया हो गया। जिसका तकलीफ और मुद्दे पे आई है। गुस्से में अपने दांत मत पीस बेटा। दांतों में ही तो असली ब्यूटी होती है।
मैंने तो बस तुझे मुबारकबाद देने के लिए फोन की। आखिर तूने वो सुसाइड नोट दुनिया के सामने आने से रोक लिया। शाबाश शाबाश। वैसे पैसा और पावर हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। मीडिया वालों को खरीद सकता है, पुलिस तक को रोक सकता है ना। पर अफसोस तू सारी दुनिया को तो खरीद सकता है, रोक सकता है, पर रूप दुआ को नहीं। मतलब क्या है आपका? मेरा मकसद था मीडिया के जरिए वो सुसाइड नोट अनिका तक पहुंचाना, पर तूने ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए मजबूरन मुझे वो नोट अनिका तक पहुंचाना पड़ा। अब अगले 2-3 मिनट में अनिका के हाथ वो सुसाइड नोट लगने वाला है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए लाल रंग के लिफाफे में वो पेन ड्राइव रखा था ना? मैंने भी वो लेटर लाल रंग के लिफाफे में रखवाया है, अनिका की अलमारी में। बस अब कुछ ही मिनटों में वो लेटर उसके हाथ लगने ही वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट है तेरे पास, रोक सकता है तो रोक ले। शिवाय ध्यान से, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? अनिका, अनिका भाभी को भूल गए? नहीं, बात कुछ और है, चल। ये है क्या? आप शिवाय, आप किसी जरूरी काम से गए थे ना, तो वापस क्यों आ गए? मैं जा रहा था और मुझे याद आया कि मैं तुमसे गले मिले बिना ही चला गया। ऐसा थोड़ी करना चाहिए मुझे। मैं गले मिले शिवाय, एक मिनट, आपको हो क्या गया है? हाँ, मेरा मतलब है कुछ तो है। हाँ, मतलब आप बीच रास्ते से इसलिए वापस आए क्योंकि आपको मुझे गले लगा? सॉरी, गले फीलिंग बेटर ना। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, तो बताइए क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं होने का, कोई कुछ नहीं, जस्ट ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, वो शायद आप मुझे बताना नहीं चाहते या बता नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? Okay, बात ये है कि ये प्रॉब्लम है, तुम बीवियों की प्रॉब्लम है। पति चाहे कुछ भी करे ना, तुम्हें शक करना है, पति अपनी जान भी दे देना, पर तुम लोग नहीं मानोगे। नहीं, मैं बाहर जा रहा था, मुझे याद आया कि मैं अपनी बीवी से गले मिलना भूल गया, तो मैं गले मिलने वापस ऐसे वापस आया, पर नहीं, तुम्हें शक करना है, सिर्फ शक। क्यों? बहुत स्मार्ट है आप वैसे, कहां की बात को कहां लेकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर रहने दीजिए, ठीक है? क्या बोलूं मैं फिर?
सारी बातें ना बताओ होने का। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जिंदगी में मैटर करती है, वो तुम्हें मैं जरूर बताऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा अनिका। जब तक शिवाय सिंह ऊपर रोए की सांसें चलती रहेंगी, तब तक उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए धड़केगा। आप इतनी सेंटी बातें क्यों कर रहे हैं? जैसे हम बिछड़ रहे हैं। हम कभी नहीं बिछड़ेंगे अनिका। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे। एंड यू राइट, कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन मेरा यकीन करो अनिका, जब मैं बता सकूंगा तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। लेकिन तब तक तुम्हें मुझे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रिएक्ट नहीं करोगी। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी दिखाए, कुछ भी बताए, तुम किसी बात को नहीं मानोगी जब तक वो बात मैं ना कहूं। मुझे प्रॉमिस करो अनिका, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार मुझसे बात करोगी। दुनिया पर भरोसा करने से पहले तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। मुझे प्रॉमिस करो अनिका। आप ना मुझे डरा रहे, प्लीज मुझे बताइए बात है क्या। क्या बोलिए ना। मेरे कान आ रही है, इस वक्त मैं तुम्हें मैं नहीं बता सकता। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, तुम विश्वास करती हो मुझ पर। अनिका प्रॉमिस। प्रॉमिस मेरी प्रॉमिस। वो लेटर फाड़ दिया। शिवाय मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, रूपबुआ हमारे साथ ये खेल क्यों खेल रही है? क्योंकि वो जानती है मैं फंसा हूँ, मुझे प्रेशर में डालने के लिए। उनके पास जो तस्वीरें हैं और जो वो फेक सुसाइड नोट है ना, उसे या तो मेरी फैमिली जेल में जाएगी या अनिका के पिता गिल्टी साबित होंगे। दोनों में हार मेरी होगी, ये जानते हुए कि कल्याणी मिल को आग रूपबुआ ने लगाई थी। मिस्टर कपूर की जान, यहाँ तक कि अनिका के पिता की जान था रूपबुआ ने ली थी। ये सब जानते हुए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। भैया पुलिस को बता देते हैं, अपने आप सब कुछ निकलवा लेंगे। आसान नहीं है रूडी, जरा सी भी गलती की ना पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर बाय एनी चांस अनिका को अपने पिता पे लगे इल्जाम के बारे में पता लग जाए, मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करे। यू नो अनिका हमेशा मुझसे एक बात कहती है, जब बात मेरी फैमिली और अनिका के बीच आती है मैं हमेशा अपनी फैमिली को चूज करता। इस बार नहीं, इस बार मैं अनिका के साथ हूँ। आई विल स्टैंड बाय हर। मैं उसके पिता हर्षवर्धन त्रिवेदी को बेगुनाह साबित करके रहूंगा हूँ। मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगा। नहीं शिवा, सिर्फ तू नहीं, हम तेरे दोनों भाई तेरे साथ हैं। अब बस बताओ करना क्या। मैं रूपबुआ से मिलने जा रहा हूँ, जिसने शौहर अनिका को इस बारे में बिल्कुल बताना चाहे जो बात हम उससे छुपा रहे हैं। टेंशन मत लो भैया, आप अकेले नहीं हो, आपके दो भाई हैं। आपके जाने के बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने कहा था ना 24 घंटों के अंदर अंदर तू मेरी चौखट पर वापस आए। क्या चाहिए आपको? अरे तुझे कल ही तो बताया था, तेरी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं। चल
तू दोबारा सुनना चाहता है तो सुन, मैं चाहती हूँ तू उनका को छोड़कर मेरी पसंद की लड़की से शादी करे। ओके, मेरी भी एक शर्त है, आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। डील? कैसी डील? आपको जो चाहिए मैं वो करूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे वो सारी तस्वीरें, अनिका के पिता का फेक सुसाइड नोट देना होगा, इंक्लूडिंग द कॉपीज। और तुझे क्यों लगता है कि मैं ये डील करूंगी? ओके, जो आपको सही लगता है भाई कीजिए, मैं चला। सोच ले रू, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। वो सबूत वैसे भी झूठे हैं, कोर्ट में झूठे ही साबित हो सकते हैं। चल ठीक है, मुझे तेरी डील मंजूर है, दांतों दांतों में। चार्ली, वो फोल्डर लेके आओ जिसमें वो फोटोज और अनिका के बाप का सुसाइड नोट है। मैं जानती थी तू मेरी बात जरूर मानेगा, क्योंकि तू अनिका से बहुत प्यार करता है, और प्यार इंसान को बहुत कमजोर कर देता है। सारे सबूत इस फोल्डर में हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? तूने वो कहावत नहीं सुनी, एक हाथ दे एक हाथ ले? तुझे ये फोल्डर तब मिलेगा जब तू अनिका को छोड़कर दूसरी शादी करेगा, तब ये सबूत मैं तेरी शादी के मंडप पे, वो जो हवन है ना, उसमें जला दूंगी। तेरी चुप्पी को मैं हाँ समझूं? और एक बात, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं यहां से नहीं गया तो सिचुएशन को हैंडल कैसे करूंगा, रूप बुआ को एक्सपोज कैसे करूंगा? लेकिन बिना ये फोल्डर लिए मैं जा भी नहीं सकता। So I've got to play along. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।